अजीम शख्स का नाम है याहिया, बाप का नाम है हानी, दादा का नाम है उर्वा, मां का नाम है रौआ, रौअतुन मां है, हानी बाप है और दादा का नाम है उर्वा। ठीक, हानी इब्ने उर्वा के बेटे याहिया इब्ने हानी, ये भी इमाम की खिदमत में करबला पहुंचे। अलबत्ता ये उस तरह नहीं पहुंचे कि इब्ने ज़ियाद के लश्कर में शामिल होकर आए हों। फर्क होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको सहारा चाहिए होता है, कुछ वो जो सहारा बन जाते हैं। याहिया कोई कमजोर आदमी नहीं थे, बहुत मजबूत आदमी है, सहाबी रसूल के बेटे हानी के। मैं तलाश कर रहा कि हानी नाम के दो शहीद हैं, एक मजहूलुल हाल है हानी इब्ने हानी अस्सबी या अस्सबी, हानी इब्ने हानी अस्सबी, ये अलग शख्सियत। ये सईद बिन अब्दुल्ला अल हनफी के साथ आखिरी खत लेकर कूफे वालों की तरफ से खिदमत इमाम में आए थे। सईद का हाल तो मिलता है, इनका हाल नहीं मिलता, लेकिन मक्तल में इनका नाम मौजूद है, हानी इब्ने हानी। हानी का तर्जुमा क्या है, फिर तर्जुमा उर्वा का क्या मिलेगा? हानी इब्ने उर्वा रसूल खुदा के सहाबी हैं, रहते कहां पर? कूफे के अंदर। कबीले मजहिज के रहने वाले खास फर्द हैं, और कबीले मजहिज के ऐसे फर्द हैं कि 1000 इनके जवान इनके इशारे पर तैयार रहते थे। हानी, और मैं बाप के तबस्सुल से हर कारवान जो ज्यारतों पे जाते हैं उनकी खिदमत पे पैगाम देना चाहूंगा कि खुदा के लिए मस्जिद कूफा और कूफे की ज्यारत के लिए कुछ वक्त बढ़ा दें। कसम बा खुदा, मैं खुद शर्मिंदा हूं उस अजीम शख्सियत की बारगाह में, और ये आपकी बरकत से ये मौका मुझे मिला कि मैं उनवान पढ़ रहा हूं। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में उनवान नहीं पढ़ा था। होता क्या किबला कि आमाले कूफा कराने के बाद लोगों के ज्यारत का जो तवानाई है, ताकत है, खत्म हो जाती है, और फिर जो थोड़ी बहुत रहती है जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के रोजे पर गए, उसके बाद वो और कम हो गई। हानी इब्ने उर्वा का रोजा मुकद्दस उस एहतराम के साथ लोग नहीं जा पाते। हो सकता है आप में जो गए उन्हें मेरी बात समझ में आ रही हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कसम ब खुदा, खाली जाली को हाथ लगाया, बाहर निकल गया। इतना भी वक्त नहीं मिलता हमें वहां पर कि हम हानी के हालात बयान कर सकें। हानी कौन है? हानी सहाबी रसूल, हानी के नाम का तर्जुमा, हानी कहते हैं बशारत को, हानी कहते हैं अच्छी खबर अच्छी हवा को, और इसी से तहनियत निकला लफ्ज, या तहनियत से हानी निकला है। तहनियत का मतलब मुबारकबाद देना, हानी मुबारकबाद देने वाला। सहाबी रसूल, अपने बच्चों के नाम रखिए करबला के शहीदों के नामों पर, इसी बहाने से नाम याद हो जाएंगे। इब्ने उर्वा, उर्वा के माना सैयद है, उर्वा के माना ऐसा दरख्त जिसके पत्ते सर्दी के मौसम में भी नहीं गिरते। उर्वा कहते हैं किसी मरकज को या किसी भी दस्ते को, हैंडल को, जहां से उसे पकड़ा जाता हो। उर्वतुल वुस्का, ये तो आपने पढ़ा है आयतुल कुर्सी के अंदर, उर्वतुल वुस्का,
किताब का नाम भी है मसाइल और अहकाम की किताब जो है। उरवा के माना क्या, दस्ता, जहां से पकड़ लिया जाए, हैंडल। उरवा के माना सैयद, हानी इब्ने उरवा। शख्सियत जनाब हानी की, इनके बेटे का नाम यहिया है। तकरीबन इनका सिन करबला के वाके के मौके पर 51 बरस का है, 89 या 91 या 83, तीन कौल मिलते हैं, कम से कम 83 इयर्स और मैक्सिमम 91। जनाब हानी इब्ने उरवा सहाबी रसूल, बस इस सहाबी रसूल नहीं, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान में पाबा रकाबे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। क़िबला, मौला का साथ देना नियाज खाने में आसान है, मौला का साथ लड़ने में आसान नहीं है। मौला को ढीले ढाले सिपाही पसंद नहीं होते थे, याद रखिएगा। तलवार नहीं उठ रही, बैठ गए, थक गए, ऐसा नहीं। मौला खुद एक्टिव थे और चाहते थे उनका हर चाहने वाला एक्टिव। और इसी मुनासिबत से मौला की सीरत में खाने पीने के मसाइल भी हैं, बहुत गौर कीजिएगा, वक्त नहीं है बयान करने का। बहरहाल वैसे ठीक है, आप रात में जब इबादत के लिए हों तो राहिब बने, उठा नहीं जाए, बुढ़ापों बुढ़ापे की तरह से नमाजें पढ़ें, दिन का वक्त हो तो शेर बन जाए। ये शियाने अली इब्ने अबी तालिब की पहचान है कि दिन के शेर होते हैं और रात के राहिब होते हैं। खैर, हानी इब्ने उरवा सिर्फ मौला अली के साथ नहीं, मौला हसन के साथ। रिवायत अजीब पढ़ रहा था मैं, फरमाते मौला हसन फरियाद करते हुए अपने बाबा की शहादत के बाद ऐसी गुर्बत थी मौला हसन की, फरमाते वाह जद्दा या रसूल अल्लाह, नाना फरियाद कि इस कदर लोग कम हो चुके कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को हाकिम शाम भेज रहा है, 120,000 सिपाहियों का दस्ता बनाकर, ईमान के जुमले, ताकि मुझे और हुसैन को और हम अहले बैत को यहां कूफे से असीर करके ले जाएं शाम तक। ये जुमला अगर महफूज हो गया तो फिर कूफे के हालात समझने में आसानी होगी। ऐसे में इमाम ने जिनको असहाब को याद किया है, जिन असहाब ने इमाम को अपनी हेमा के यकीन दिलाया कूफे के अंदर, हमारे होते हुए 1.5 लाख का लश्कर हो, 1,20,000 लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन अफराद में हानी इब्ने उरवा भी शामिल। हानी इब्ने उरवा को इमाम हुसैन ने भी याद किया। तो पहली बात तो ये कि शहीद कहां पर हुए, ये शहीद करबला में नहीं हुए, ये शहीद हुए कूफे के अंदर।